नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24/7 हिंदुस्तान की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ साहिल सदाथ। जहां एक ओर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का लाख प्रयास कर रही है और तमाम दावे करती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर हर विभाग में आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाश में आना बंद नहीं हो रही। और देखा जाए तो इस तरह खबरें सरकार के मुंह पर एक तमाचा है कि सरकार हर कोशिश कर ली लेकिन सरकारी महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो चाहे वो कोई महकमा हो, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार उजागर होने पर भी हमारी सरकार भ्रष्टाचार करने वालों पर किसी तरह की कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। यदि ऐसा होता तो आए दिन इस तरह की खबरें प्रकाश में नहीं आती। और अहम सवाल जब खड़ा होता है, जब हमारी सरकार सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए मील योजना चलाती है, लेकिन जब इसी मिड डे मील को खिलाने वाला ही डाकू बन जाए। योजना के तहत आने वाले खाद्यान्न को विद्यालयों का स्टाफ उस खाद्यान्न को सरकारी तंत्र के साथ मिलकर बेच खा, नौ निहालों को कभी खराब भोजन या कभी मिलता ही नहीं या फिर आधे पेट भोजन दिया जाए, ऐसी स्थिति में आप सरकार की मंशा या सरकारी महकमे के ऊपर किस तरह के आरोप लगाएंगे, उनसे किस तरह की उम्मीद करेंगे? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी जिले में सामने आया है, जहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय में दिए जाने वाले खाद्यान्न को चोरी से बेचने के लिए भेज रहे थे। तुरंत इस बात की जानकारी कार्यालय को हुई तो उन्होंने खाद्यान्न को बीच रास्ते में पकड़ लिया और इस बात की जानकारी अधिकारियों को दी, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल ताजा मामला लखीमपुर खीरी जिले के तहसील निगासन के ग्राम बौधिया कला के उच्च प्राथमिक विद्यालय बौधिया कला का है, जहां के प्रधानाध्यापक त्रिपेश गुप्ता द्वारा विद्यालय से 18 बोरी खाद्यान्न बेच दिया गया। इस बात की सूचना ग्रामीणों को मिली तो आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान यशपाल सिंह के साथ मिलकर तांगे से चोरी से ले जा रहे खाद्यान्न को गाँव के ही बौधिया क्रेशर की पुलिया पर पकड़ लिया और इस बात की जानकारी उप जिलाधिकारी को दी, जिससे मौके पर लेखपाल सहित कई लोग पहुंच गए। जब ग्रामीणों ने तांगा चालक से पूछा तो तांगा चालक ने प्रधानाध्यापक के कारनामे को उजागर किया कि प्रधानाध्यापक त्रिपेश गुप्ता ने पूरा खाद्यान्न खैरानी की निवासी कोटेदार रामकिशोर गुप्ता के यहाँ लेकर चलने के लिए कहा था, जिससे कि उसे बेचा जा सके। लेकिन जब इस बात की जानकारी प्रधानाध्यापक से ली गई तो उसने अपने ऊपर लगाए सारे आरोप गलत बताए। अब अहम सवाल यह है कि जब ये सारा कारनामा सामने आ ही गया है तो इस पर आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं? इस अहम सवाल कि क्या भविष्य में इसका जवाब क्या मिलता है, ये तो भविष्य बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। जी, क्या नाम है? प्रधान बोलिया। ये क्या मामला है? इसमें गल्ले में जो तांगा रोके हैं ग्रामीण लोग। ये प्राथमिक विद्यालय बौधिया कला का खाद्यान्न था, मास्टर जी त्रिपुरा गुप्ता इसको बेचना चाह रहे थे तो सूचना पहले लग गई थी, लेकिन स्कूल के पास खाद्यान्न नहीं रोका गया, यहाँ पे पकड़वाया। ये जानकारी है कहाँ से गल्ला आया है, कहाँ जा रहा है? रमापुर से आया था, कोटेदार के यहाँ से। ये गल्ला क्या है, कहाँ से, मतलब कोटेदार का, एमडीएम का, कहाँ से, कैसे, क्या है? एमडीएम का है, प्राथमिक विद्यालय बौधिया कला। ये मास्टरों के द्वारा बेचा गया। क्या नाम है? त्रिपुरेश कुमार गुप्ता। ये क्या मामला है, गल्ला जो पकड़ा गया है? हमको कोटेदार ने फोन किया था कि जो है आपका गल्ला आ गया है, तो आज मैं अपना गल्ला प्राप्त करने के लिए गया था, दिनांक 1 तारीख को जो है मैं छुट्टी पर था, तो आज मैं गल्ला वहां प्राप्ति करी तो 16 कुंटल गल्ला होने की वजह से 2 शिफ्ट में लाना पड़ा, तो ये आधा 8 कुंटल में लाके वहां पे स्कूल में मौजूद हालत में लगवा भी चुका हूँ और आधा मैंने इस पे तांगे पे लदवाया, ये जा रहा था स्कूल और यहाँ पर जो है आप स्थिति देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि मतलब बेचा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके जो है तांगा जिनको दिया है, इनसे बात हुई है कि जिसका गल्ला जिसके यहाँ जा रहा है खैरानी में, जो बिक्री उक्री हुई है वो पूरा स्पष्ट बता रहा है, इसमें क्या वो बता रहा है? जी, मुझको इनके खैरानी वाले इनके बारे में अनभिज्ञता है,
और मैंने तांगा चालक को यहाँ पर से जो है प्राथमिक विद्यालय बौद्धिया कला में पहुँचाने के लिए बोला था। अब ये पुलिया पर ये बोले कि आप आ रहे हैं, हम आगे जाके वहाँ स्कूल में व्यवस्था शुरू करवाने लगे। और यहाँ पर जो है जब मेरे पास में फोन गया यहाँ से कि तांगा पकड़ा गया है कि गल्ला बिक्री के लिए जा रहा है, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर वही बात जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये भी यहीं पे मैंने पहले कहा। नहीं माँ साहब, ये लड़का जो कह रहा है तांगा वाला जो गल्ला जिसका बिक्री हुआ है, वो लोग भी बता रहे हैं कि ये खाद्यान्न का जो गल्ला है आपके विद्यालय का, ये आपने बिक्री किया है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिक्री कुछ भी नहीं, मैं गल्ला ज्यादा होने की वजह से जो है मैं दो शिफ्ट में आधा में गल्ला लेके मैंने वहाँ तांगे से लगवा दिया था, वो आधा गल्ला ये यहाँ पर मौजूद हालत में यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो विद्यालय आपका बौधिया में है, तांगा तो यहाँ रोड पे पकड़ा गया। तांगा पीछे आ रहा था और मैं आगे चल रहा था और मैंने आके वहाँ मोटरसाइकिल अपनी खड़ी करी और जो है मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लगा। बाद में मुझे यहाँ पर पता चला कि अब ये किस तरफ से लेके आए हैं, ये मुझको नहीं पता था, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं बार बार जो है मतलब कह रहा हूँ, आज तक की अगर कभी भी कोई शिकायत मेरी मिली हो तो भी कोई ग्रामीण बता सकता है। जी लेखपाल साहब, ये जो गल्ला पकड़ा गया है इसका कैसे क्या सबूत करेंगे जो बताएं आप? ये लगभग मुझे 15 मिनट पहले ग्राम प्रधान श्री यशपाल सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि स्कूल का गल्ला खैरानी के यहाँ किसी के यहाँ बेचा जा रहा है और गांव के बाहर पुलिया के पास पकड़ लिया गया है, आप चले आइए। तो हम यहाँ गांव के बाहर आ गए हैं पूर्व दिशा में पुलिया के पास, बौधिया क्रेशर के पास लगभग। तो यहाँ तांगे पे लगभग 16 कट्टा है ना, लगभग 16 कट्टा राशन का पकड़ लिया गया है, खुले हुए जो कि आप देख सकते हैं। और इनको मैं ग्राम प्रधान के सुपुर्द किए दे रहा हूँ, उच्चाधिकारियों के निर्णय तक ये ग्राम प्रधान के सुपुर्द रहेगा।